एक गलत प्रचार किए हैं मनोज तिवारी जी और उनके उनके झांसे में मैं आया। संजय सिन्हा की पत्नी भी बीजेपी से बीजेपी की है, बीजेपी की है, पूर्वांचल महिला अध्यक्ष है। कंपनी के पीछे मेरे दो बच्चे का स्कूल छूट गया है, इसका जवाब कौन देगा? संजय सिन्हा देंगे या मनोज तिवारी देंगे? हम लोग करते हैं, आगे कोई कार्रवाई नहीं होती है, अपना पैसा थोड़ी ना छोड़ देंगे। कोई रोड पे तो पड़ा नहीं था जो उठा के दे दिया, ब्याज पे लिया, किसी ने बैंक से लोन लेके लिया, किसी ने सोना गिरवी रखा, किसी ने जमीन गिरवी रखी। सिर्फ गरीब आदमी के लिए और डरपोक आदमी के लिए कानून है। हम अकेले में कहीं चले जाए वो जरा कहीं मरवा दे। कौन मरवा दे? संजय सिन्हा मरवा देंगे और क्या। हमारी बात जो है योगी जी और मोदी जी तक पहुँचाई जाए जिससे की सरकार की छवि खराब ना हो। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। ये लोग जो हैं हमारे साथ, इनके पास एक पोस्टर है, संजय सिन्हा, योगराज शर्मा, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आप तो सबसे पहले ये बताइए कि मुर्दाबाद क्यों लगा रहे हैं इस आदमी के नाम का? मुर्दाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, क्या कर लिया इन्होंने? इन लोगों ने बहुत बड़ी ठगी करी है हमारे साथ। और एक हम अकेले नहीं है, लगभग 4000 बीपी हैं और 106 एसएफ हैं। एसएफ मतलब सुपर फ्रेंचाइजीज, और बीपी हमारे बिजनेस पार्टनर। ये एक सोची समझी साजिश थी फ्रंट लाइन ग्रुप के द्वारा, उनकी एक सब कंपनी बनाई इच्छा पूर्ति, जो सबकी इच्छाएं पूरी करने वाली। कहां से आए हैं आप? मैं हरियाणा से आया हूं मैडम। इससे पहले भी आप लोग आ चुके हैं? हाँ बिल्कुल, पीछे 3 अप्रैल को भी हम आए थे यहां जंतर मंतर पर, और उसके बाद भी हम कई बार वहां ऑफिस भी जा चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया। मीटिंग भी हुई हमारी। केस कराया उनके खिलाफ? केस बहुत दर्ज हैं, हर स्टेट में लगभग केस दर्ज हैं उन पे। ऐसा नहीं है कि केस दर्ज नहीं हो, यहाँ दिल्ली में भी केस दर्ज हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं आए कानपुर से। राम राज में ऐसा हो रहा है, कैसे चलेगा? वो तो बीजेपी वाले जाने, भाजपा वाले। राम मंदिर भी चाहिए और बीजेपी को बर्बाद भी कर रहे हैं मुर्दाबाद। बीजेपी हम लोगों को बर्बाद कर रही है। मनोज तिवारी जी उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उनका प्रमोट कर रहे हैं, उसके झांसे में लोग आके फंस चुके हैं। और 2 साल हो गए हम लोगों को इन कंपनी के चक्कर काटते हुए, 20 से 25 बार हम मीटिंग कर चुके हैं और हर बार ही हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। कितना पैसा लगाया था? 20 लाख रुपए लगाया हुआ है। 20 लाख पर्सनल मेरे 20 लाख रुपए लगे हुए हैं इसमें। और आपके? 20 लाख, मेरा भी 20 लाख रुपए है। 20 लाख रुपए। आपने नीरव चौकसी का नाम सुना होगा, तमाम लोग जो इस देश का पैसा लूट के दूसरे देश में जाके बच जाते हैं। अभी भी मतलब अडानी के बारे में भी ऐसा कहा जा रहा है और तमाम लोग ऐसे हैं, तो आप लोगों को सीख लेनी चाहिए, इतना बड़ा अमाउंट लगाने से पहले एक बार सोचना चाहिए था। अरे इन लोगों ने प्रलोभन दिया कि 20 लाख रुपए लगाइए और आपको 7.5 रुपए पर मंथ आपको इनकम होगा। मतलब कम से कम 7.5 लाख रुपए। जब खुद मेरा सांसद इस बात को प्रचार कर रहे हैं, इच्छा पूर्ति में हमको पूर्ण विश्वास है, तो हम क्यों नहीं विश्वास करें? बताइए आप। बताइए एक बात बताइए, वो एक सांसद के अलावा वो एक जो है कलाकार भी है, उनको लोग मानते हैं। नहीं, आप उनको सांसद मानते हैं, लेकिन आप ही मोदी जी किसी को कह देवे कि आप बैंक में अभी जो बैंक में चल रहा है ये लाडली योजना, लवली के बारे में आपने सुना होगा कि उस पे केस किया गया और लड़की केस जीत गई, उसको 20 करोड़ रुपया या 20 लाख रुपया मिला, उसको इनाम मिला। फेयर लवली पे ऐसा था कि आप लगाइएगा और गोरे हो जाइएगा, उसमें उस हीरोइन की क्या गलती है? आप सोच समझ के, तमाम ऐसे एक्टर हैं एक्ट्रेस हैं जो एक कंपनी का एक किसी प्रोडक्ट का उसका नाम कराने के लिए प्रचार प्रसार करते हैं। हीरोइन और ये मनोज तिवारी सांसद में बहुत अंतर है। मनोज तिवारी पहले फिल्मी दुनिया में थे, पहले भोजपुरी गायक थे, अब वो फिलहाल राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनको तो इन सबसे परहेज करना चाहिए था, हमने उनका गुड फेस पर दिया। और ये संजय सिन्हा और नहीं, आप बदनाम करेंगे अब। मैं तो बीजेपी को बदनाम करेंगे, एकदम बीजेपी को बदनाम। उन्होंने आपके हाथ से थोड़ी खींच के बोला था 20 लाख रुपए दे। मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, मैं बीजेपी का सुपर, मेरा एमएलए बीजेपी है, मेरा सांसद बीजेपी है, मैं बीजेपी का जहाँ भी कहेंगे जाने को तैयार हूँ। लेकिन एक गलत प्रचार किए हैं मनोज तिवारी जी और उनके झांसे में मैं आया, और संजय सिन्हा बहुत बड़ा फ्रंट लाइन ग्रुप लाइन कंपनी का। सुना है कि संजय सिन्हा की पत्नी भी बीजेपी से? बीजेपी की है, बीजेपी की है, पूर्वांचल महिला अध्यक्ष है, वो भी है सोनिया सिन्हा। सोनिया इस कंपनी के चलते भाई पार्टी का दोस्त दिखाते हैं और क्या करते हैं, हम बीजेपी से हैं, आप हमारा क्या कर लेंगे, ऐसा बोलते हैं। बिल्कुल जी, हर बार ऐसा बोलते हैं। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी गुंडा राज चला रही है? अरे गुंडा राज नहीं चला रही, तो गुंडों को पाल रही है, संरक्षण दे रही है।
कैसे आप ये कह सकते हैं गुंडे को? वो खुद ही कह रहे हैं ना, वो उपाध्यक्ष है महिला की, महिला पूर्वांचल महिला उपाध्यक्ष है। अब और हम लोग 25 बार उनसे मीटिंग कर चुके हैं, हर जगह बात हो, कोई रिजल्ट नहीं। कानपुर से है और उत्तर प्रदेश में अभी अतीक अहमद का आपने देखा एनकाउंटर, उसके बेटे का देखा, तमाम तरीके से जो है सारे अपराधियों का खात्मा हो रहा है उत्तर प्रदेश से, राम राज है और बुलडोजर बाबा की सरकार है, जो गलत करता है उसके घर में बुलडोजर चलता है। तो आप लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? वहाँ पे भी ज्ञापन दिया हुआ है, वहाँ भी FIR दर्ज की हुई है, देखते हैं क्या होता है। वो तो बार बार ये कह रहे हैं जब सारे में हमारे बंदे बैठे हुए हैं, जब वो उनका ही राज है और उन्हीं के बंदे बैठे, तो कैसे कार्रवाई होगी आप ही बताइए। लालच की वजह से 20 लाख रुपए लगा दिए। नहीं था, बिजनेस मॉडल था, ये लालच कौन कह रहा है? ये तो बिजनेस मॉडल बताया ना उन्होंने। व्यापार में लालच वहाँ होता है जहाँ हम 20 लाख लगाए, मेरे को 40 लाख मिले, तो वहाँ मानते हैं लालच है। अब वो तो कह रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, आपको माल देंगे, माल आप सेल करिए, हम 30-40 बंदे आपको बना के देंगे, आप उनको माल सेल करिए, ये कोई लालच थोड़ी ना, ये तो बिजनेस है। अब उन्होंने बिजनेस मॉडल हमें दिया और बिजनेस मॉडल पे हमने पैसा लगाया। आप है जिम्मेदार इसके? हम कैसे जिम्मेदार है बताइए? आपने बिना कुछ सोचे समझे कंपनी में पैसा लगा दिया। हम सोच समझ के ही लगाए थे ना, हम सोच समझ के ही लगाए थे इस कंपनी में। इतने घोटाले के बारे में सुना है सब तमाम लोग, लेकिन कौन सा घोटाले के बारे में? किसी सांसद का प्रचार देखे हैं बताइए? आप बताइए मेरे को कौन सा घोटाला में आप सांसद का प्रचार देखे हैं बताइए? एडवर्टाइजमेंट के लिए उनको पैसा मिला? नहीं, किसी एडवर्टाइज की है? नहीं, किसी राजनीतिक दल को एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा नहीं मिलता। वो स्टार प्रचारक जो फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए होते हैं उनको मिलता। लिखा हुआ था कहीं कि सांसद बीजेपी के सांसद प्रचार कर रहे हैं, कि उसमें ये लिखा था मनोज तिवारी कलाकार जी। देखिए नहीं देखिए यहाँ पे हमारे पास उसका अथी है। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, उसमें कलाकार था या कहीं पे सांसद लिखा हुआ था? इसमें देखिए, वो तो ठीक है, प्रेजेंट टाइम में क्या है वो? प्रेजेंट टाइम में क्या? प्रेजेंट टाइम में वो दोनों ही चीज़ है। हाँ, तो दोनों है, तो हम तो उनको सांसद के रूप में मानते हैं। अभी तो सांसद के रूप में ही हम उनको मानते हैं। वो मेरा मार्गदर्शक है, वही उन्होंने ही ये सब किया, उनके तो उन्हीं के बातों पे आगे हम सबने ये। एक महीने पहले आप लोग पहले भी आ चुके हैं और अभी तक क्या कार्रवाई हो रही है इस मामले? मेरे को अंदरूनी मामला चला है कि 30 करोड़ रुपया मनोज तिवारी के पास भी है, 30 करोड़ रुपया, ये दोनों पार्टनर है। संजय सिन्हा का जब बेटा का बर्थडे आता है तो मनोज तिवारी पार्टिसिपेट करते हैं, संजय सिन्हा 5-5, 6-6, 7-7 करोड़ के गाड़ी से चलते हैं। कहाँ से इतना पैसा आता है बताइए आप? कहाँ से आता है? हम जैसे गरीब लोगों का पैसा लूट के बैठे हुए हैं, और हमारा बच्चे जो पढ़ रहे थे वो भी, उसका भी स्कूल छूट गया। 20 लाख रुपए लगा दिए और बोल रहे हैं गरीब लोग। गरीब लोग, हम बैंक से लोन लेके लिए हैं, मैं उसका भी इंस्टॉलमेंट भर रहा हूँ, 50,000 रुपए महीना भर रहा हूँ, और मैं इसी इंस्टॉलमेंट के अपना मेरा स्कोर ना गिरे। कोरोना के वक्त में आप लोगों ने पैसा लगाया? कोरोना के वक्त में ही मैंने पैसा लगाया, कोरोना बंद होने के बाद मेरे से पैसा लिया गया। जब सोचिए कि जब कोरोना के टाइम में लोगों के पास अनाज नहीं थे, रोजगार नहीं था, तो लोग सोचते थे क्या कुछ से कुछ नहीं तो कुछ बेहतर हो सकता है, कि ये नहीं हुआ तो ये काम चल जाए, लेकिन ठगने का जो है जरिया लोग ढूंढ ही लेते हैं। इनको कैसे आप लोग उसके झांसे में आ गए? बस यही, हम लोग झांसे में नहीं है, हम लोग तो बिजनेस करने के ख्याल से आए थे। मैंने पैसा थोड़ी ना डिपॉजिट किया था कि 5 साल में मेरे को दोगुना पैसा मिल जाएगा, 3 साल में दोगुना मिल जाएगा। हम बिजनेसमैन हैं, हम अपना बैंक से बिजनेस के नाम से मेरा बैंक अकाउंट है, उस अकाउंट से मैं पैसा दिया हूँ। बताइए, सीख तो बहुत कुछ मिला है, सीख तो बहुत कुछ मिला है इससे। मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, तब सीख के मैं क्या कर सकता हूँ? बीजेपी की सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन अच्छा तो काम बहुत कर रही है, लेकिन मनोज तिवारी गलत काम कर दिए। क्या क्या अच्छा काम कर रही है बताइए? अच्छा काम तो बहुत कर रही है देश के लिए। लोग अडानी के बारे में करे, मोदी अडानी भाई, वैसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है, किसी का कोई भाई नहीं है, लेकिन मनोज तिवारी वो राजनीतिक मुद्दा है। ये भी तो बीजेपी के लोग ही है ना, बीजेपी के लोग ही है, तो इन पे कड़ा एक्शन होगा ना, बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं ना ऐसे लोग। हम लोग अदर क्या हो रहा है, जिस बात से हमें परेशानी, हम तो उसको कहेंगे ना, वहाँ के देश में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ये तो खुद कर रहे हैं, मोदी जी को चाहिए कि इन पे तुरंत तत्काल बैठक बुलाई जाए। अब ऐसे मोदी जी को मालूम है इस बारे में? अभी तक तो मालूम नहीं है, शायद आपके चलते मालूम चल जाए। मेमोरेंडम दिया होगा ना PMO ऑफिस में? हाँ दिया है, लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, हमने मोबाइल से PMO पे कंप्लेन किया है, लेकिन हमारा तक अभी कोई हमारे पास कोई पूछ भी नहीं रहा है। डिजिटल इंडिया हो रहा है, सारी चीजें इतना फास्ट हो रही है, और आप इंडिया जो अच्छी चीजें हैं उन्हीं के लिए है, जो उनको लाभ जिससे होगा उसी लिए डिजिटल इंडिया है। किसको लाभ होगा?
गवर्नमेंट को लाभ होगा, प्रशासन को लाभ होगा, जो भी है हम लोग करते हैं, आगे कोई कार्रवाई नहीं होती है, शिकायत कोई भी नहीं होती है। बस उनको अभी किया हुआ था, ऑनलाइन किया तो वो बोले, अब उनसे पूछा कि आगे कहाँ जाएं तो बोले कि आपको दोबारा से फाइल करिए। कितनी बार ऑनलाइन फाइल करेंगे, क्या ताउम्र यही सी चीजों में लगे रहेंगे? आप लोग बदनाम भी कर रहे हैं, आप लोग रामराज से खुश नहीं है? अरे रामराज कहेगा, रामराज से तो खुश है, रामराज तो होना ही चाहिए। रामराज में ये हो रहा है, इससे ना खुश है हम? रामराज में ये सही हो रहा है, गलत है। और ऐसे हम नहीं है, ऐसे हजारों करोड़ों लोग होंगे जो इससे पीड़ित होंगे। ये तो आप यहाँ पे आप करते हो रिपोर्टिंग, तो आपको तो पता ही होगा। अकेले हम यहाँ नहीं आए हैं, उससे कई पहले कई लोग आ चुके होंगे। चार हजार आदमी को संजय सिन्हा ने टारगेट बनाया, इनके फैमिली से खिलवाड़ किया। लेकिन 4000 आदमी आप आ रहे हैं, 10-15 आदमी इकट्ठे हो गए, बहुत सारे इतना बीपी जो 1-1 लाख रुपए लगाए हैं उनके पास आने के लिए भाड़े नहीं है, कैसे आएंगे बताइए आप? छोटा सा बिजनेस है, कैसे आएंगे? 4000 लोग बहुत लोग होते हैं, वो लोग साथ में मिलकर कंप्लेन करेंगे हर जगह, तो हर स्टेट से 1-1, 2-2, 3-3, 4 हजार आदमी आए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम सारे के सारे निकल के आएंगे, पैसा अपना पैसा किसको बुरा लगता है? अभी तक सरकार सुनी नहीं है, कितने साल, 2 साल पहले आप लोगों ने पैसे लगाए और लगातार आप लोग कंप्लेन भी किया है, तो क्या लग रहा है कब तक सरकार सुनेगी? अब देखो जी, अगर जब तक आप इस न्यूज को मोदी जी तक नहीं पहुंचा दे तब तक मेरे को नहीं लगता है कि कोई सुनवाई हो पाएगी। नहीं सुनवाई होगी तो क्या कर लेंगे आप, क्या कर लेंगे उनका, आप किनका, सरकार का क्या कर? सरकार का हम क्या कर लेंगे, सरकार हमारा करेगी, हम सरकार का क्या कर लेंगे? आप नहीं मांगे पूरी होंगी तो क्या करेंगे? तो नहीं होगा तो धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे और क्या करेंगे, अपना पैसा थोड़ी ना छोड़ देंगे। कोई रोड पे तो पड़ा नहीं था जो उठा के दे दिया, ब्याज पे लिया, किसी ने बैंक से लोन लेके लिया, किसी ने सोना गिरवी रखा, किसी ने जमीन गिरवी रखी। सिन्हा से आप लोगों ने बात करने की कोशिश की? बिल्कुल हुई है बात, एक दो बात, बस हर बार आश्वासन मिलेगा जी, चेक भी दिए जो बाउंस हुए, सारा चेक बाउंस हो गया, 5-5 लाख के सारा लगता है, लगभग 5000 चेक काटे हैं। हम लोग बिजनेसमैन किसी को 50000 का चेक काट देते हैं ना, तो हमको रात को नींद नहीं लगता कि उसके अकाउंट में मेरे अकाउंट में पैसा होना चाहिए। लेकिन इन्होंने 5000 से 10000 के बीच में चेक काटा है और इन्होंने चैन का नींद सो रखे हैं। हमारा भारत का कानून कहाँ है? सिर्फ गरीब आदमी के लिए और डरपोक आदमी के लिए कानून है, बस गरीब आदमी के लिए कानून है, ऐसा गरीब आदमी के लिए कानून है कि कानून उसका सहयोग नहीं करता है। कोई सीनियर आदमी रहेगा, कोई धनी भनी आदमी रहेगा, उसका फोन चल जाएगा कानून के पास तो उसका तलवे हिलाने लगता है, और हम जैसे गरीब आदमी के लिए कानून कुछ नहीं है। और रह गया बात कि डरपोक हम इसलिए होते हैं कि हम डर से कानून को छूना नहीं चाहते हैं। मैडम ये डर लगता है जैसे अतीक की गुंडागर्दी चलती थी ना, ऐसी गुंडागर्दी है इनकी भी, अतीक की गुंडागर्दी चलती थी, अतीक को तो मार गिरा है। मार गिरा ना, अभी अच्छा तो उसके गुर्गे होंगे ना, हमें तो खुद भी डर लगता है, हम अकेले में कहीं चले जाएं वो जरा कहीं मरवा दे। कौन मरवा दे? यही संजय सिन्हा मरवा देंगे और क्या, रसूखदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, हमारी क्या औकात है? हम तो हमारे घर में तो अगर सुबह खाना खाते हैं तो शाम को चूल्हा जलेगा नहीं जलेगा उसकी नहीं होती है, अगर कहीं जलाते हैं तो तब जलाते हैं। इनके तो क्या, ये तो हमारी सारी संपत्तियां डकार गए हमारी है, हमारा पैसा डकार गए मैडम, हम तो हमें क्या लगा रहे हो, हमने एक हम एक गांव के पेड़ के नीचे और आपके सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, सुबह से पानी तो 50 रुपया 100 रुपया मुश्किल से कमाते हैं। आप भी अगर कहीं गांव से बिलोंग करती होंगी तो गांव का दुकानदार कितना पैसा कमाता है, और हमें 1.5-2 लाख रुपया 4-4, 5-5 लाख रुपया हमसे लूट के ले गए ये, लगाओ वो पैसे की हम भरपाई, अब इनके चक्कर में यहाँ आ रहे हैं। लेकिन जो है सरकार, बीजेपी सरकार जो है बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही है, तुरंत तुरंत एक्शन ले रही है, गरीबों के लिए बात करती है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। देखो सरकार का काम करना और कुछ लोग पीछे से बैकडोर से इस तरह के जो लोग होते हैं वो सरकार में और इनमें उनका क्या है हिसाब किताब और इनका क्या है वो तो एक कहने का अलग बात है ना। तो आप लोगों ने देखा इन लोगों की बात को सुना है, इससे पहले भी 1 महीने पहले भी ये लोग आए थे और लगातार जो है बीजेपी के जो सांसद है मनोज तिवारी और जो भी लोग हैं उनके खिलाफ ये लोग बोल रहे हैं। संजय सिन्हा की पत्नी सोनिया सिन्हा वो भी बीजेपी से जो है बीजेपी के कार्यकर्ता है, प्रदेश अध्यक्ष है। लेकिन अभी इन लोगों की समस्या ये है कि कुल पूरे भारत से 4000 लोग हैं जिन्होंने 1 लाख से लेकर 20 लाख तक रुपये लगाए हैं। बहुत सारे ऐसे मामले आप लोगों ने देखे होंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं धांधली करते हैं, ठग होते हैं और दूसरे देश में जाके बस जाते हैं।
लेकिन अभी फिर से इन लोगों की जो है, एक महीने पहले भी ये लोग यहाँ आए थे और आज भी यहाँ आए, अभी तक सरकार सुन नहीं रही है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हम आपसे अपील करते हैं आपके माध्यम से, ये हमारी बात जो है योगी जी और मोदी जी तक पहुँचाई जाए, जिससे कि सरकार की छवि खराब ना हो। जैसे तो अच्छा काम कर रही है। जैसे कि चर्चा है, आज हम जानते हैं कि अपराधियों पे लगाम कसी जा रही है, राम राज्य जैसी स्थिति है और राम राज्य में ये रावण राज्य जो है घोटाला कर रहा है, इससे सरकार की छवि जो है कितनी खराब होगी। राम राज्य की आप कैसी कल्पना करते हैं? राम राज्य की कल्पना ये है, कोई जो है परेशान ना हो, कोई किसी को दुखी ना करे, अपनी कमाई करें लोग, अपना खाएं। कहाँ कोई दुखी है, सब तो ठीक है, सबका साथ सब नहीं, हम लोग जो हैं इस गर्मियों में भी अभी यहाँ मैदान में परेशान है, कोई खा के आया कुछ नहीं खा के आया, हमारे 4.5 लाख रुपए डकारे बैठे, हमारा इसी चक्कर में 2 बार हार्ट अटैक का ऑपरेशन हो चुका है, आगे क्या करेंगे, पैसा नहीं मिलेगा, बैंक वाले परेशान करते हैं, जब वो किस्त मांगने आते हैं तो हम क्या करें फिर। देख सकते हैं कोरोना के टाइम में इन लोगों ने पैसा लगाया, जब किसी के पास रोजगार नहीं था तो इन्होंने सोचा कि कुछ नहीं तो कुछ से कुछ बेहतर, इन लोगों ने ये सोच के रोजगार करने का सोचा, और किसी ने 4 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 20 लाख रुपए से लगाए, और इन लोगों की पूरी तरह से ये पैसे की धांधली हो चुकी है। अब इन लोगों की ये है कि केस करते हैं तो केस नहीं किया जा रहा है, उधर से लोग धमकी आ रहे कि हम बीजेपी के लोग हैं, हमारा क्या कर लोगे। तो आप लोग की इस पूरी खबर पर क्या राय?